हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ फिर से और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोको F3 GT का गेमिंग टेस्ट कर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। साथ ही साथ हम यहाँ पे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम प्ले करेंगे। उससे पहले अगर आप इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करते हो तो आपको इस फोन में मिलता है Dimensity 1200 का एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर। काफ़ी अच्छे से आप गेमिंग कर सकते हैं, देखते हैं किस तरह का आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलिए जैसे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके डिफॉल्ट ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। अगर आप स्मूथ पे खेलते हैं जो फ्रेम रेट है वो आपको एक्सट्रीम का मिलता है। अगर आप इसे बैलेंस पे स्विच करोगे जो फ्रेम रेट है वो आपको अल्ट्रा का मिलता है। सेम अगर आप HD पे करोगे सेम आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलेगा। अगर आप HDR पे खेलोगे सेम आपको यहाँ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिलेगा। सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पर खेलिए। Thank you.
तो यहाँ पे आपने देखा मैंने आपको लाइव गेम प्ले कर दिखाया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए मोबाइल फ़ोन को कैमरे के फ्रेम में रखकर रिकॉर्ड करना, बट अगर आप इस फ़ोन के गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं आपको एकदम टोटली स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इस फ़ोन में। कोई भी लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप आसानी से हेवी गेम्स पोको F3 GT में खेल सकते हैं। और जो BGMI का परफॉर्मेंस है ये भी आपको एकदम ग्रेट मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस फोन में नहीं होगी। जायरोस्कोपी बहुत ही अच्छे से काम करता है और ये डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पे। हैवी गेम्स आप पोको F3 GT में आसानी से खेल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।